दो दिन पहले दोस्तों हमने जो यूवी प्रिंटर रिमोट कंट्रोल कार का जो अनबॉक्सिंग किया था, वही कंपनी की दूसरी आरसी कार है, क्रेजी आरसी कार ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशल। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस पे वही कंपनी का नाम लिखा गया, रॉक डायकास्ट। यहाँ पे इसका मेटल बॉडी है ऊपर की साइड का, ये देखिए इसके अलग अलग ग्राफिक्स के फोटो दिए गए, पत्थर में इसका फोटो दिया गया। यहाँ पे अलग अलग फंक्शन वगैरह लिखे गए, 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी, दो कलर आते हैं, नॉर्मल सा कलर कॉम्बिनेशन का डिफरेंस है, ऑरेंज कलर और ब्लू कलर। रिमोट में कौन सा बटन कैसे वर्क करता है, बैटरी कैसे डालना, पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया। तो चलिए दोस्तों रॉक कार को ओपन करके चेक करते हैं कैसे ये कार वर्क करती है, कैसी क्वालिटी है, क्या प्राइस है, रेसिंग फाइटिंग कहाँ से आपको मिलेगी, सब बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे यूनिक और अमेजिंग टॉयज की वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे रॉक कार को मैं रख देता हूँ, बॉक्स में से इसको फटाफट से निकाल देता हूँ। बॉक्स में से जब तक आ जाए तब तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आ गए दोस्तों हमारी रॉक कार है, देखिए इसका लुक देख लीजिए। यहाँ पे हल्का सा ब्लू कलर और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन है, बाकी सब ब्लैक कलर है। ये थोड़ा सा मेटल बॉडी है, पतरे का है ये इसके लिए यहाँ पे लिखा है डायकास्ट, बट ये पूरी डायकास्ट नहीं है, बाकी सब प्लास्टिक का है। ये देखिए इसके हाई पावर फंक्शन है। तो यहाँ पे आती है इसकी रिचार्जेबल बैटरी, ये बैटरी हमने चार्जिंग करके डाल दी है। बैटरी को चार्जिंग करने के लिए आ गया केबल, बैटरी को एक घंटा चार्ज करना है, आपको 15 मिनट तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आता है दोस्तों इसका रिमोट कंट्रोल, आगे पीछे लेफ्ट राइट, ये दोनों बटन नहीं, ऐसे ही शो पीस के लिए दिए। तो ये देखिए आगे पीछे और ये लेफ्ट ये राइट, यहाँ पे इसको चलाता हूँ, ये आगे ये पीछे, ये आगे से लेफ्ट, आगे से राइट, लेफ्ट राइट। तो ऐसे दोस्तों ये पूरी कार है वो वर्क करती है। अभी दोस्तों ये रॉक कार का ऑफ रोडिंग में टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे पत्थर वाली जगह पे इसको ले जाते हैं, गो। तो देखिए यहाँ पे पेड़ का पौधा आ गया छोटा सा, थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगी है। टू क्रॉस टू है फिर भी दोस्तों ये ऑफ रोडिंग में चल रही है। देखिए बड़ा सा पत्थर आ गया जिसमें व्हील से वो फंस गया है। रॉक कार की रेसिंग हम दोस्तों वही कंपनी की जो यूवी प्रिंटेड कार थी उसके साथ लगाते, दोनों को बाजू बाजू में रख दिया, 1 2 3 गो। तो देखिए हमारी रॉक कार है वो पहले राउंड में आगे निकलते हुई, दूसरा राउंड 1 2 3 गो। तो यहाँ पे देखिए रॉक कार है वो काफी आगे निकलती हुई, हमारी यूवी प्रिंटेड कार है वो यहाँ पे रॉक कार, यहाँ पे तो दोनों राउंड में रॉक कार है वो विन होती है। दोस्तों ये रॉक कार की फाइटिंग हमें यूवी प्रिंटेड कार के साथ लगाने वाले, दोनों को आमने सामने रख दिया है, 1 2 3 गो। इतनी जोर की टक्कर लगी नहीं है,
फाइटिंग तो दोस्तों इतनी जोर की लग नहीं रही थी क्योंकि दोनों का फोर्स सेम था। अभी देखते इसका संक्शन कितना वर्क करता है। देखिए ऊपर ये प्रिंटेड कार को मैंने रख दिया, फिर भी ये रोककर इसको कैरी करके चल रही है। पूरा संक्शन है वो प्रेस हो गया है इसका। तो देखिए पूरा कार का जो वेट है वो कैरी करके भाग रही है। स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है बट इजी तरीके से चल रही है। रोटेट करो, रोटेट इसको। रोटेट नहीं हो रही है, रोटेट होने में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगे। दोनों कार है वो रोटेट हो रही है। तो रोक कार की स्पीड वगैरह आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी इसको परचेस करना हो इसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते। ये लगभग 1000 रुपए के आसपास आपको इजीली मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल है, चेक कर सकते। वर्किंग वाइज क्वालिटी वाइज काफी बढ़िया दोस्तों। ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा स्पीड स्लो डाउन हुई थी। ऑफ रोडिंग में दोस्तों अगर कोई भी कार 4x4 चारों के चार व्हील अगर मोटर की मदद से फोर्स लगाएंगे तो ही ज्यादा स्पीड में भाग पाएगी। 2x2 भी है ये 2x2 है। देखिए आगे के व्हील से वो फोर्स नहीं लगा रहे, इसलिए ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा दिक्कत आने लगा था। फिर भी ये बजट में कार एकदम सही है, आपको अच्छी लगी हो तो परचेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर। ऐसे यूनिक और अमेजिंग टॉयज के वीडियो दोस्तों आगे मैं आपके लिए लाता रहूं।